जब झाड़ी में अड़ गई तो बाबा ने कोशिश करी थोड़ी बहुत ने कार्रवाई की, किशोरी के बिना श्याम सुंदर को कोई पूछता नहीं, अब तो ये जब ही सुट जाएगी जब तुम सुट जाओगे। बोले जाने और जाइए वही सुट जावे, वृंदावन वालों आवे तो सुट जावे, तुमको मथुरा गए तो जाओ वहीं, बाकी जटा एड़ जगह सुट जानी हम दोनों ने। कभी कभी उलझना भी अच्छा रहता है, सुलझाने वाले अगर सरकार हो तो। एक संत जी परिक्रमा पहले वृंदावन में, अभी तो ये वृंदावन थोड़ा बिल्डिंग विल्डिंग बहुत डेवलप हो गई है, पहले झाड़ियों वाले वृंदावन में परिक्रमा दे रहे थे, तो उनकी लंबी लंबी जटाएं थी और वो जटाएं जो है झाड़ी में, हमारे ब्रज में तो कहें इड़ गई, झाड़ी में इड़ गई, और जब झाड़ी में इड़ गई तो बाबा ने कोशिश करी थोड़ी बहुत ने कार्रवाई की। इस वृंदावन की एक विशेषता है, किशोरी के बिना श्याम सुंदर को कोई पूछता नहीं, राधा रानी के बगैर वृंदावन में क्या पूरे ब्रज में, और वृंदावन में तो विशेष तौर पर कृष्ण को कोई पूछता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मथुरा वाला कृष्ण आपको ज्यादा याद है, पसंद है, या वृंदावन वाला? जोर से बोलो, लिसन, द्वारिका वाला कृष्ण ज्यादा पसंद है कि वृंदावन वाला? अब ऐसा वृंदावन वाले में क्या भाई, क्यों पीछे पड़े हो, उसके शर्म नहीं आती, सब लोग वृंदावन वृंदावन वाले के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वृंदावन वाले को प्यार करना आता है, वृंदावन वाले को प्रेम करना आता है, इसलिए उसके पीछे पड़े। हमारे ब्रज के संत तो ये कहते हैं, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपन हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार। अगर वृंदावन के बाहर स्वयं कृष्ण कहे कि मैं यहां खड़ा हूं, आ जा, तो बोले नहीं आना तेरे पास, हमसे मिलना है तो यहां हो हमारे पास। तो संत जी की जटा इरज गई, उर्ज गई, कोशिश करी नहीं सुलझी। संत जी बोले अच्छा जी चाहो तुम्हें चाहो उड़ वो तो ले, बैठ गए संत जी वहीं, अब तो ये जब ही सुट जाएगी जब तुम सुट जाओगे। कब सुट जाएगी? जब इड़ जाई तेने तो सुट जा भी तू, बैठ गए। अब कोई आवे भी राहगीर, बाबा मैं खोल दूं, बाबा मैं सुट जा दूं, बोले जा जा जा, तो क्यों? बोले जाने उड़ जाई अब ही सुट जावे। तीन दिन है गए बाबा बैठे बैठे, मई भजन चल लो तीन दिन। तीसरे दिन सांवरी सूरत बाल गोपाल पधारे और श्याम सुंदर पधार के कह रहे हैं, बाबा कैसे जटा इड़ गई है का? बोले ना है, छप्पन भोग आ रहे हो उनको इंतजार कर रहे हूं मैं। ब्रजवासी थोड़ा उल्टा ही, मतलब उल्टा क्या, वो है ही ऐसे बेचारे, बस मैं ही अकेला थोड़ा सा सिंपल सा सीधा सा हूँ आगे का तो। ऐसे डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं सिंपल सीधा नहीं हूँ क्या? बहुत डाउट करते भाई, चलो जो भी समझते हो। भगवान बाल रूप बना के गए थे, बोले ठीक है तो एक काम करो, का है गए मैं सुट जाए दू? बोले ना ना ना, जाने उड़झाइए वही सुट जावे को, बाबा बोले। तो कन्हैया बोले मैं ही तो हूं, जाने उड़झाइए। तो भगवान अपने रूप में प्रकट हुए, देख मैं ही तो हूं, मैं नहीं उड़झाइए, मैं ही सुट जा रहा हूं। बाबा बोले सुनो सुनो, आप वो हो ही नहीं सकते, आप वो नहीं हो जिसने ये हमारी जटा इड़झाई है। बोले मैं ही तो हूं, देख नहीं रहे, टेढ़ी टांग, पीरी पीताम्बर, मोर मुकुट, बंसी, सब कछु तो है। बोले सब कछु है पर राधा रानी संग में नहीं है, या लिया वृंदावन के नहीं है। आप वृंदावन वाले नहीं हो, हमें तो वृंदावन वाले पे सुरजवानी है, वृंदावन वालों आवे तो सुर जावे, तुमको मथुरा गए हो तो जाओ वहीं, द्वारका गए हो तो जाओ वहीं। बोले बाबा कब सुर जवाबे को तो बता। बोले दो आओगे तब, एक से नहीं सुर जाएंगे। कन्हैया दौड़े दौड़े गए किशोर जी के पास में, श्री राधे पधारो। बोले कहा है? बोले एक नयो भगत भयो है, बाकी जटा एड़ जगह सुर जानी हम दोनों ने, अकेले पे नहीं सुर जवाबे को। बोले तुम है के आयो? बोले हाँ मैं है के आयो। बोले आप चले गए बिना मोलिए? बोले किशोर जी हम तो वैसे ही चले गए कि स्वामिनी जी ये कष्ट ना होए, हम तो काम चल जाए तो कोई बात ना है, पर हमें पता चली है कि वहां हमारी कोई रीझबूझ ना है, वहां तो तुम्हारी संग हमारी रीझबूझ होगी। आप पधा तव तव युगल सरकार बाबा के समक्ष प्रस्तुत हुए और बाबा की उन लता पताओं में उलझी हुई जटाओं को देखो, उस बाबा का सौभाग्य। कभी कभी उलझना भी अच्छा रहता है,
सुलझाने वाले घर सरकार हो तो कभी कभी उलझना भी अच्छा होता है। तो जब प्रिया प्रीतम दोनों अपने हाथों से बाबा की जटाओं को सुलझा रहे हैं और बाबा के नेत्रों से झड़झड़ 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 आंसू बह रहे हैं, बोले बाबा अब क्यों? बोले मैंने तो ये मेरा भाग्य ही है कि सरकार दोनों प्रिया प्रीतम मेरे सामने खड़े हैं, ऐसी जटा जिंदगी भर उलझी रहे जो ये अवसर बार बार मेरे सामने प्रस्तुत। तो वृंदावन की भूमि क्या है? प्रेम का, प्रेम की खान है। यहां जो आए हैं और हमारे ब्रज के संतों ने तो स्पष्ट कहा है, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या तेरे से मुनि गए हार भजे जा राधे।